जनाब आप लोगों ने तो एक ओवर में 36 रन बनते हुए देखे होंगे, वहीं आईपीएल में जडेजा द्वारा एक ओवर में 37 रन भी बनाते हुए देखे ही होंगे। लेकिन गुरु अगर आपसे कहूं कि एक गेंद पर 18 रन बन गए, क्या बोला तूने? जी हाँ दोस्तों, एक गेंद में 18 रन बन गए तो आप लोग क्या कहेंगे? चुप कर बे कुत्ते। दोस्तों क्रिकेट भी कितना निर्दयी खेल है, यह उस समय एहसास होता है जब अचानक किसी मैच में ऐसा कुछ घट जाए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के इस सीजन के दूसरे ही मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सालेम स्पार्टन्स और चेपाक सुपर ग्लिश के बीच मैच में एक गेंद में 6 या 7 नहीं बल्कि पूरे 18 रन बनते हुए देखने को मिले। जनाब सालेम स्पार्टन्स टीम इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी कर रही थी। चेपाक सुपर ग्लिश ने 19 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए थे। इसके बाद सालेम की तरफ से पारी का आखिरी ओवर फेंकने आए टीम की कप्तान अभिषेक तंवर से सभी को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद थी। अभिषेक ने भी अपने ओवर की 5 गेंदों पर सिर्फ 8 रन ही दिए। अब आखिरी गेंद जब अभिषेक फेंकने के लिए दौड़े तो उन्होंने नो बॉल फेंक दी जिस पर कोई और रन नहीं आया। फिर अभिषेक ने अगली गेंद भी नो बॉल फेंकी जिस पर छक्का लगा और कुल 7 रन आए। अब फिर अगली गेंद नो बॉल हो गई जिस पर 2 रन आए। फिर उसके बाद अभिषेक ने वाइड गेंद फेंक दी। हालांकि दोस्तों जब उन्होंने लीगल गेंद फेंकी तो उस पर भी छक्का आया। इस तरह अभिषेक ने एक गेंद को फेंकने के लिए 5 बार गेंद को फेंका। तो गुरु इस मोस्ट एक्सपेंसिव डिलीवरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।